वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी आपको नजर आ रहे हैं? यस यस मैम। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन। इसमें आज हम ओव्यूलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओवोजेनेसिस हमने कर लिया था, जी। विद ईच ओवेरियन साइकिल अ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बिगन, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल फॉलिकल ग्रो नहीं करता बल्कि ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स जो है ग्रो करना शुरू करते हैं। बट यूजली ओनली वन रीचेस इट्स फुल मेच्योरिटी एंड ओनली वन ओसाइट इज डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। एट ओवुलेशन द ओसाइट इज इन द मेटाफेज ऑफ द सेकंड मियोटिक यूनियन एंड सराउंडेड बाय द जोना पेरिसुडा एंड सम ग्रैनुलोसा सेल्स। ये लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जोना पेरिसुडा और ग्रैनुलोसा सेल्स जो है उसको सराउंड कर रहे होंगे। ग्रैनुलोसा सेल्स कौन से होंगे? वही कोमुलस ओवोफोरस के सेल्स होंगे जो हमने ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल, अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। ये जो सराउंडिंग जो इसको सराउंड करेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स, जो फॉलिकुलर एपिथीलियम, जो ओवरी की एपिथीलियम थी, फॉलिकुलर सेल्स जो थे जो ओवोसाइट को इमीडिएटली सराउंड करते हैं उनको कोमुलस ओवोफोरस कहते हैं। तो जब ये ओवोसाइट डिस्चार्ज होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन तो उसको जो सराउंड करेंगे यही कुमुलस ओवोफोरस सेल्स, तो उनको हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहेंगे। और इसी की डेवलपमेंट के दौरान ये जो ओवोसाइट था इस पे एक स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर सा लाइनिंग इसकी अपीयर होती है या स्ट्रक्चर अपीयर होता है जिसको जोना पेलिसुडा कहते हैं। बेसिकली इट इज द शेल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करेगी, ये फर्दर आप देखोगे कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन किस तरह से ये हेल्प करती है। अब सीक्वेंस से चलते जाते हैं तो आपको सारी चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। At ovulation, the oocyte is in the metaphase of the second meiotic union and is surrounded by the zona pellucida and some granulosa cells. In the days immediately preceding the ovulation, what happens? FSH or LH ki presence bahut zaruri hai. The vesicular follicle it rapidly grows under the influence of FSH and LH. ठीक है? कहाँ तक ये ग्रो करता है? अप टू द डायमीटर ऑफ 25 मिलीमीटर, ठीक है। इतना बड़े साइज का हो जाएगा कि ये ओवरी की सरफेस पे विजिबल हो जाता है टू बिकम अ मैच्योर वेसिकल या ग्राफियन फॉलिकल। फॉर इंसिडेंट विद द फाइनल डेवलपमेंट ऑफ द वेसिकुलर फॉलिकल देयर इज एन एब्रप्ट इंक्रीज इन द एलएच। एलएच जो है एफएसएच एलएच में से एलएच जो है इसकी सिक्रीशन या इसकी कंसंट्रेशन सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। वो क्या करती है, ये सडन इंक्रीज जिसको एलएच सर्च कहते हैं, इट कॉजेज द प्राइमरी ओवोसाइट टू कम्प्लीट द मियोसिस वन जिसमें वो अपनी डिप्लोटिंग स्टेज में था, ठीक है। इस रैपिड इंक्रीज इन एलएच की वजह से वो अपनी ये मियोसिस वन कंप्लीट करता है एंड द फॉलिकल टू एंटर द प्री ओव्यूलेटरी मैच्योर वेसिकुलर स्टेज, ठीक है। साथ साथ वो साइड भी अपनी जो है वो अपनी डिवीजन या अपनी मैचुरेशन कंप्लीट कर रहा है। मियोसिस टू इज आल्सो इनिशिएटेड बट द ओवोसाइट इज रेस्टेड इन मेटाफेज। अब ये मेटाफेज में आके रेस्ट हो जाएगा लेकिन जस्ट ओनली फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले वो अपनी डिप्लोटीन स्टेज से फटाफट वो निकल गया और ये किस फेज में आ गया, मेटाफेज में, और इसमें रेस्ट होगा जस्ट फॉर 3 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। इन द मीन टाइम द सर्फेस ऑफ द ओवरी बिगिंस टू बल्ज लोकली, जहां पे ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर वेसिकुलर फॉलिकल बना है वहां से ये बल्ज होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स आउटसाइड। So that at the apex and avascular spot the stigma appears, ठीक है। एक निशान अपीयर होता है जिसको avascular spot कहते हैं। The high concentration of LH increases, basically ये stigma जो अपीयर हुआ है कैसे हुआ है उसने बताया कि the high concentration of LH increases the collagenase activity, ठीक है। जो एंजाइम क्लेजिनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट रिजल्ट्स इन द डाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर सराउंडिंग द फॉलिकल्स। फॉलिकल्स को जो कोलेजन फाइबर्स सराउंड कर रहे होंगे ये क्लेजिनेज जो एंजाइम है ये उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसी की वजह से ये जो इतना बल्ज बना था उसके कोलेजन फाइबर्स वो डिजनरेट होंगे और वो जो रप्चर हो जाएगा फॉलिकल और ये ओवोसाइट जो वो रिलीज हो जाएगा बाय।
Prostaglandin levels also increase in response to the LSRs and causes local muscular contractions in the ovarian wall. These contractions exclude the oocyte, which together with its surrounding granulosa cells from the region of the cumulus oophorus breaks free and floats out of the ovary. जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि लोकल मस्कुलर कंट्रेक्शन भी होंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन LH जो है उसका लेवल भी ज्यादा होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स भी इंक्रीज होगा. तो वो सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, एक तो उसने LH जो था उसने क्रेजिनेस जो था उसने कॉलेजन फाइबर्स को डीजनरेट किया, उनको हिटअप किया और मस्कुलर कंट्रेक्शन स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल इंक्रीज हुआ था. इसकी वजह से वो साइड जो है वो एक्सट्रूड या एक्सपेल आउट हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी अलॉन्ग विद इट्स कंपेनियंस जो उसके ग्रैनुलोसा सेल्स जो उसको साउंड कर रहे थे उसके साथ ये बाहर निकल आया. Some of the cumulus oophorus cells that rearrange themselves surround the zona callosa to form the corona radiata. अब उसको उन्होंने corona radiata का नाम दे दिया. वही cumulus oophorus cells जो basically granulosa cells से जो ovarian follicle के जो cells से वो उसको surround करते हुए बाहर जब आएंगे उसके साथ ही, तो उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया, corona radiata. वही cumulus oophorus वाले cells, ये surrounding cells. अब ये corona radiata form करते हैं. अब आप देखें मेच्योर वेसिकल है, ये अगर देखा जाए आपको लाइन जो नजर आ रही है ये ओवरी की है, ठीक, ये आउटलाइन है. तो ये जब बड़ा होता जाएगा तो ये आउटलाइन ऑन द सरफेस ये बल्ज होती जाएगी बाहर की तरफ, सो दैट कि उसके जो एपेक्स है वहां पे एक स्टिग्मा एक निशान अपीयर होगा जिसको एवेस्कुलर स्पॉट कहेंगे. वहां से ये रप्चर होगी ओवरी की सर्फेस और ये रिलीज हो जाएगा ओसाइट अलॉन्ग विद इट्स जो उसके साथी है ये सारे सेल्स कुमुलस ओवोफोरस वाले जिनको हमने कोरोना रेडिएटर कहें, ये रिलीज हो गया, ठीक है. और पीछे आप देखेंगे ये जो फॉलिकल था वो उसकी शेप कैसी रहेगी, वो साइड निकल गया और पीछे ये बाद में फिर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करेगा. मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल्स बल्जिंग एट द सरफेस ऑफ द ओवरी, ए में आप देख रहे हो और बी में जो आप देख रहे हो ओव्यूलेशन हो गई है और सी में वो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया. Corpus luteum after ovulation granulosa cells remaining in the wall of the ruptured follicle together with the cells from the theca interna they are vascularized by the surrounding vessels. Theca interna wahi thi na jo surrounding iske bahar ki taraf the follicular cells ke bahar ki taraf, theek hai, ovarian stroma ke cells se. To ye sare milke baki jo left over jo follicle reh gaya hai usko kya hoga, blood vessels aake invade karna shuru kar denge. Under the influence of LH, these cells develop a yellowish pigment and change into lutein cells, which form the corpus luteum and secrete the estrogen and progesterone. ठीक है, अब ये जो corpus luteum है, estrogen और progesterone secrete करना शुरू कर देगा. आपने देखा है कि इसकी vascularity increase होनी शुरू हो गई है and it is acting like an endocrine gland. Progesterone together with some estrogen causes the uterine mucosa to enter the progestational or the secretory stage in preparation for implantation of the embryo. Yeah, at the same time uterus में भी कुछ changes आ रही होती हैं जो के क्या करती हैं उसको prepare कर रही होती हैं. जब ये हम ovulation की इधर stage से गुजर रहे हैं उधर uterus का जो mucosa है उसमें भी कुछ changes आ रही हैं जो उसको prepare कर रही होती हैं for the implantation of the embryo or the zygote जो आप कहेंगे कि fertilization के बाद जो बना था वो से transport. Shortly after ovulation, fimbri of the uterine tube sweep over the surface of the ovary and the tube itself begins to contract rhythmically. ठीक है, ये ओवरी है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं फॉलिकल्स की और ये रप्चर्ड जो ग्रेफियन फॉलिकल या वेसिकुलर फॉलिकल. अब आप ये देखो ये यूट्राइन ट्यूब है, इसका जो एम्पुला है ये डायलेटेड पोर्शन और उसका फिम्ब्रिएटेड एंड वो बिल्कुल उसके करीब आ चुका है ओवरी के और इसके फिम्ब्री और फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसका ओपन एंड जो ट्यूब का वो उसको ओवरी को बिल्कुल कवर कर रहे होते हैं. अब आप देखेंगे जो ही वो रप्चर हुआ है मेच्योर फॉलिकल और ओवोसाइट रिलीज हुआ है ये फिम्ब्रिया जो है फिंगर लाइक मूवमेंट्स कर रहे होते हैं और ये इसको ट्रैप करके अपने अंदर न्यूमन में ले आते हैं. ये चीज उसको बताई जा रही है. Shortly before ovulation, fimbri of the uterine tube sweep over the surface of the ovary and the tube itself begins to contract rhythmically. It is thought that the oocyte surrounded by some granulosa cells is carried into the tube by these sweeping movements of the fimbri and by motion of the cilia on the epithelial lining. Once this oocyte is in the tube, the cumulus cells withdraw their cytoplasmic processes
फ्रॉम दिस डोनर पेरिसोडा एंड लूज कॉन्टेक्ट विद द ओसाइट. ये पहले ये आपको बुक ये नहीं बता रही कि ये कुमुलस ओवोफोरस सेल्स जो है इनका फंक्शन क्या था. ये जो सराउंड कर रहे थे बेसिकली इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट किए हुए थे जोना पेलिसोडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन शेल था. बेसिकली ये जो कहा जाता है कि ये जो कुमुलस ओवोफोरस सेल्स जेरपोरोना रेडिएटा के सेल्स जो है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द मेच्योरिंग ओवोसाइट जो डिवीजन की स्टेजेस में से गुजर रहा होता है. Once oocyte is in the uterine tube, it is propelled by the peristaltic muscular contractions of the tube and by the ciliary movements in the tubal mucosa. Uterine tube जो है इसका जो inside होगी mucosa जो होगा वहाँ पे जो epithelium है उस पे cilia हैं और उनकी जो movement है वो towards the uterine cavity होगी. ठीक है, तो उस cilia की movement की वजह से और muscular contraction की वजह से ये जो oocyte है ये transport होगा towards the uterine tube. In humans, the fertilized oocyte reaches the uterine lumen in approximately 3 to 4 days. Now, corpus albicans. ये क्या होते हैं? हमने corpus luteum पढ़ा था, तो albicans क्या होगा? अगर तो fertilization नहीं होगी, तो implantation नहीं होगी, तो जो degenerate हो जाएगा corpus luteum, उसको जो है वो degenerated corpus luteum को हम corpus albicans कहेंगे. If fertilization does not occur, the corpus luteum reaches maximum development approximately 9 days after ovulation. 9 days तक वो develop करता जाता है. ठीक है, बाद में क्या होगा? If fertilization does not occur, subsequently the corpus luteum shrinks and because of degeneration of the lutein cells or luteolysis forms a mass of fibrotic scar tissue, the corpus albicans. Albicans white means whitish color का स्कार टिश्यू बन जाएगा उसका जो ग्राफियन फॉलिकल जहां से वो रप्चर हुआ था उसके बाद स्कार रह जाएगा. साइमल्टेनियसली प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन डिक्रीजेस प्रेसिपिटेटिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इफ द ओवोसाइट इज फर्टिलाइज्ड, अगर ये तो उसने कह दिया कि अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई इससे पहले तक की तो ये बात थी. ठीक है, इफ द ओवोसाइट इज फर्टिलाइज्ड डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रिवेंटेड बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ये हार्मोन अब कहाँ से आ गया? ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है. ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन हो गई है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये डीजनरेट कर जाएगा कार्पस ल्यूटियम और वो कार्पस एल्बिकेंस फॉर्म कर देगा. लेकिन अगर वो साइड जो फर्टिलाइज हो गया और वो फिर इम्प्लांट हो गया तो क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम जो वो नहीं होगी एंड इट इज प्रिवेंटेड बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और HCG इसको कहते हैं. ये हार्मोन होता है जो सीक्रेट होगा बाय द प्लेसेंटा. ठीक है, एम्ब्रियो अब इम्प्लांटेशन शुरू हो गई तो अभी शुरू में आगे फर्दर आप पढ़ोगे कि एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे और वो ट्रोफोब्लास्ट है उसका जो पोर्शन है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट फर्दर ये बनाएगा प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट तो उसका जो सेल्स है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट वो सीक्रेट करेंगे HCG. और इन सिंपल वर्ड्स अगर फर्टिलाइजेशन हो गई इम्प्लांटेशन हो गई तो जो प्लेसेंटा है वो फिर ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG हार्मोन सीक्रेट करेगा और वो मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को. द कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडिया टैक्टिस कहते हैं. बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ दिस स्ट्रक्चर मे बी 1/3 to 1/2 ऑफ द टोटल साइज ऑफ द ओवरी. ठीक है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अब शुरू हो गई है. ठीक, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी. ये इतना बड़ा हो जाता है कि 1/3 to 1/2 द साइज ऑफ द ओवरी हो जाता है, इतने बड़े साइज का हो जाता है. एंड येलोश ल्यूटियल सेल्स कंटिन्यू टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है, अंटिल द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ तक प्रोजेस्टेरोन जो है वो सीक्रेट हो रहा है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहा है बिकॉज ऑफ द HCG जो पे सीक्रेट हो रहा है फ्रॉम द डेवलपिंग प्लेसेंटा. आफ्टर दैट 4 मंथ्स के बाद क्या होगा कि दे रिग्रेस ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है स्लोली एज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द ट्रोफोब्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा बिकम एडुकेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. अब वो क्या होगा कि वो फिर कॉर्पस ल्यूटियम की आफ्टर 4 मंथ्स जो है वो हमें जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसका जो डेवलपिंग प्लेसेंटा है प्लेसेंटा का जो आगे से कंपोनेंट है ट्रोफोब्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा वो इतनी ज्यादा वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं रहती कि कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करे और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा. इसलिए प्लेसेंटा को भी एक एंडोक्राइन ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं.
रिमूवल ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फोर्थ मंथ यूजुअली लीड्स टू अबॉर्शन. ठीक है, अगर फोर मंथ से पहले कॉर्पस ल्यूटियम को रिमूव कर दें, जो विच वॉज द सोल सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, चार महीने से पहले कॉर्पस ल्यूटियम को रिमूव कर दें क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी. लेकिन चार महीने के बाद अगर आप रिमूव करोगे तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वो प्लेसेंटा ने प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर दिया एंड प्रोजेस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे पता है कोई भी नहीं सुन रहा होगा. पहले तो आप सो रहे होते थे, आज आप सारे के सारे जो है ना वो सब स्टेज पढ़ रहे होते, लेकिन ये आपने पढ़ना है क्योंकि ये आपकी बाद में स्टेज के बाद टेस्ट में आएगा. मैम हम सुन रहे हैं. सुन रहे हो? यस मैम. यस मैम. बच्चे जाग रहे हैं? यस मैम. यस मैम. चलो जी फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं. फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा, आधा घंटा तो कर रहे थे, आधा घंटे का लेक्चर लो, उसके बाद तो जाके पढ़ लेना अपनी सब स्टेज. ये 5 मिनट का बाकी, थोड़ा सा 5 मिनट पाने, नहीं तो 10 मिनट पाने. The process fertilization is a process by which male and female gametes fuse. ये तो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि fertilization क्या है, fusion of male and female gametes. It occurs in the ampullary region of the uterine tube. वो भी आपने देख लिया, ampulla of the uterine tube, जिसके terminal portion पे fimbria लटके हुए थे. ठीक है. Spermatozoa may remain viable in the female reproductive tract for several days. Female reproductive tract में वो several days जो है वो survive कर सकते हैं. Only 1% of the sperm deposited in the vagina enter the cervix where they may survive for many hours. See, movement of the sperm from the cervix to the uterine tube occurs by muscular contraction of the uterus. Ab yahan pe uterus ki jo contractions hai wo reverse side mein ho rahi hai. And by the uterine tube and very little by their own propulsion. ठीक है, वो अपने flagellar movements और अपनी propulsion की वजह से वो move नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे uterine movements होंगी जो इनको support करेंगी to move towards the uterine tube. The trip from the cervix to oviduct or the ovarian tube can occur as rapidly as 30 minutes or as slow as 6 days. ठीक है, वो 30 minutes में भी इतना fastest रनिंग स्पर्म जो 30 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो स्लोली मूव कर रहे हैं वो 6 डेज लेंगे. स्पर्मेटोजोआ आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पर्मेटोजोआ आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओसाइट इमीडिएटली अपॉन अराइवल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक. ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर अराइवल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक, इट मीन्स के विद इन 30 मिनट या 1 आवर वो जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे. They must have to stay within the female genital tract for at least 5 to 6 days. तो वो क्या करेंगे वहां पे? They must undergo capacitation and acrosomal reaction. ठीक है? Not necessarily के 5 to 6 days, 3 days तक भी ये acrosome capacitation and acrosome reaction वो जो है वो ये सारे इस phases में से गुजरेगा sperm, तब वो metabolically active होगा कि वो जाके fertilize कर सके oocyte. अब ये क्या होता है? कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? कैपेसिटेशन इज अ पीरियड ऑफ कंडीशनिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दैट इन द ह्यूमंस लास्ट अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स. सिर्फ कैपेसिटेशन के लिए 7 आवर्स की जरूरत है. ठीक है, इसमें क्या होगा? मच ऑफ दिस कंडीशनिंग ड्यूरिंग कैपेसिटेशन अकर्स इन द यूट्राइन ट्यूब. ये यूट्रस में भी नहीं बल्कि ट्यूब में हो रही है. एंड इन्वॉल्व्स द एपिथेलियल इंटरेक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड द म्यूकोसल सरफेस ऑफ द ट्यूब. ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में जब स्पर्म्स चले जाएंगे तो उनमें कैपेसिटेशन होगी. वो कैपेसिटेशन क्या होती है? बेसिकली एपिथेलियल इंटरेक्शन होती है. यूट्राइन ट्यूब और स्पर्म भी एक एपिथेलियल सेल ही है. ठीक है, उसके दरमियान में एक एपिथेलियल इंटरेक्शन होगी. During this time, a glycoprotein coat and seminal plasma proteins are removed from the plasma membrane that overlies the acrosomal region of the spermatozoa. अब आपने mature spermatozoa का structure तो देखा था, उसका जो head था उसकी बिल्कुल anterior side पे acrosome appear होता है. ठीक है, जो हमने spermiogenesis पढ़ी थी, acrosome जो था, अब वो जो है उसकी glycoprotein coat and seminal plasma proteins वो acrosome से remove होंगी. ठीक है, तो क्या होगा? ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन पास थ्रू द कोरोना सेल्स एंड अंडरगो द एक्रोसोम रिएक्शन. ठीक है, पहले कैपेसिटेशन होगी. कैपेसिटेशन में क्या होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स वो रिमूव होंगी. वो कैसे रिमूव होंगी? वो पहले एपिथेलियल इंटरेक्शन होगी बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड इटसेल्फ, ये जो स्पर्म.
ठीक, ये ऊपर से रिमूव हुई, उसके बाद जो है वो एक्रोसोम रिएक्शन होगा, सेकंड स्टेज आएगी। अब एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? द एक्रोसोम रिएक्शन कोरोना सेल्स में, कोरोना सेल्स, कोरोना सेल्स, कोरोना रेडिएटा के सेल्स, वही कुमुलस वोकोरस वाले जो वो साइड को साउंड कर रहे थे, ठीक है? ओके मैम। एक्रोसोम रिएक्शन व्हिच अकर्स आफ्टर बाइंडिंग टू द ज़ोना पेलुसिडा इज इंड्यूस्ड बाय द ज़ोना प्रोटीन्स। ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा क्या था? ये मैंने आपको पहले ही बताया, इज अ ग्लाइकोप्रोटीन शेल दैट सराउंड्स द एग, वही जो उसके साथ ही रिलीज हुआ था, दैट फैसिलिटेट्स एंड मेंटेन्स द स्पर्म बाइंडिंग एंड इंड्यूस द एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, अब पता चला ज़ोना पेलुसिडा जो थी उसका क्या फंक्शन था। द एक्रोसोम रिएक्शन विच अकर्स आफ्टर बाइंडिंग टू द ज़ोना पेलुसिडा इज इंड्यूस्ड बाय द ज़ोना प्रोटीन्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है। This reaction ends in the release of enzymes needed to penetrate the zona pellucida, including acrosin and trypsin-like substances. ये enzymes हैं जो release होंगे उसके head से, acrosomal region से sperm के, और ये enzymes फिर वो उसमें से penetrate करेंगे to the zona pellucida, या जो protein जो surround कर रही है वो side. The फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है उसमें क्या है, थ्री फेजेस हैं ये फर्टिलाइजेशन की। फेज वन में क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, वही कुमुलस ओवोफोरस वाले सेल्स। फेज टू, अभी डायग्राम में आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फेज टू जो है पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा, वो जो ग्लाइको प्रोटीन रेड कलर का शेल हमने बनाया हुआ, ठीक है। एंड फेज थ्री हमने नेचर ने बनाया। फेज थ्री फ्यूजन ऑफ द ओवोसाइट एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन्स, ये फेजेस हैं, थ्री फेजेस हैं फर्टिलाइजेशन की, जिनकी डिटेल आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि ये बोल बोल के मेरा भी स्टेमिना खत्म हो जाना है, और सुन सुन के आपका भी खत्म हो जाना है। ना मैं सब स्टेज ले सकूंगी और ना आप दे सकोगे, ये काइंडली आप खुद देख लेना कि फेजेस की थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेना। आ सकती है फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है कौन सी है, या MCQs में कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि फेज टू जो है वो कौन सी है, आगे से ऑप्शन दी होंगी, आपको पता होना चाहिए कि फेज वन कौन सी थी, टू कौन सी थी, और थर्ड वाली कौन सी थी। अब ये देख लें थ्री फेजेस, ये ब्लू कलर में फेज वन, फेज टू और फेज थ्री, वही रेपिटेशन है जो पीछे हमने लिखा हुआ पढ़ा था, वो डायग्रामेटिकली आप देखो। फेज वन पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ये कुमुलस ओवोफोरस के सेल्स है, एक साइड पे उसने शो किए हुए सारे के सारे कि वो उसको पेनिट्रेट करेगा उन सेल्स को। फेज टू में क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ द ज़ोना पेलुसिडा, वही जो हमने रेड कलर की तो हमने खुद डिमार्क बनाई हुई है ना कलर डायग्राम, ग्लाइको प्रोटीन या अदरवाइज, ये रेड कलर की नहीं होती, ये तो सिंपल प्रोटीन ही होगी, उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं फेज टू में स्पर्म। और फेज थ्री में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवोसाइट सेल मेम्ब्रेन, ये दो फ्यूजन होगी दोनों की सेल मेम्ब्रेन की, और स्पर्म के जो है न्यूक्लियस वो अंदर चला अलोंग विद टेल। अब ये देखें दोबारा उसकी फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ए में आप देखो देखो ओवोसाइट इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन, ये ओवोसाइट है अंदर, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हुई थी, जब ये रिलीज हुआ था फ्रॉम द ओवरी, तो ये देखो सारों साइडों पे ये कोरोना रेडिएटर, वही कुमुलस ओवोफोरस वाले सेल्स है, ये ज़ोना पेलुसिडा है, और ये जो ओवोसाइट है ये सेकेंड मेच्योरेशन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये जा रहा है, इधर से पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड हो रही है। बी में आप देख रहे हो अ स्पर्मेटोजोन हैज पेनिट्रेटेड द ओवोसाइट, एक पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, बाकी इधर स्टक हुए में सारे ज़ोना पेलुसिडा में, वो अंदर क्यों नहीं जा रहे, कि वंस एक स्पर्मेटोसाइट जो है वो पेनिट्रेट कर गया है, तो वो ज़ोना पेलुसिडा जो है वो इम्परमिएबल हो जाती है टू द रेस्ट ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, बी डायग्राम में आप देखो स्पर्मेटोजोन हैज पेनिट्रेटेड द ओवोसाइट विच हैज फिनिश्ड इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये डिवीजन हुई थी सेकेंड पोलर बॉडी बनी वो इधर बाहर चली गई, और ये जो है ना ये फीमेल या ओवोसाइट जो था सेकेंडरी ओवोसाइट ये स्वोलन अप हो गया, तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, विच हैज फिनिश्ड इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्रोमोसोम्स ऑफ द ओवोसाइट आर अरेंज्ड इन अ वेसिकुलर न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस स्वोलन अप हो जाएगा, ये उसका जो सेकेंडरी ओवोसाइट है। ठीक है, अब आप ये भी देख रहे हो कि हेड्स ऑफ सेवरल स्पर्मेटोसाइट्स दे आर स्टक इन द ज़ोना पेलुसिडा,
और वो इम्परमिएबल बन गया। और सी में आप देखते हो कि मेल ये जो स्पर्मेटोसाइट था ये इसने मेल प्रो न्यूक्लियस बना लिया। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के दिखाए हुए हैं, फीमेल और मेल, ये प्रो न्यूक्लियर दोनों बन गए, ये फिर फ्यूज हो जाएंगे। आगे देखो क्या होता है, फ्यूज होके इन दोनों ने अपने अपने वो जो क्रोमोसोम्स थे वो इंटरमिंगल हो जाएंगे सारे। ठीक, क्रोमोसोम्स बिकम अरेंज इन द स्पिंडल स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली। अब सारे जो है वो इंटरमिंगल होके मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, ये दो जो है वो बन गए सेल्स। ठीक है, एक एक मेल और एक एक फीमेल प्रो न्यूक्लियर जो इनके न्यूक्लियर है वो क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में चलने गए। इसको कहेंगे टू सेल स्टेज। अभी भी जोना पेलिसुडा परसिस्ट कर रहा है इसके अराउंड। एज सून एज द स्पर्मेटोसाइट हैज एंटर्ड द ओवोसाइट, तो क्या होता है, ओवोसाइट रिस्पॉन्ड्स इन थ्री वेज। तीन उसमें चेंजेस आती हैं ओवोसाइट में, कौन कौन सी है। द ओवोसाइट फिनिशेज इट्स सेकेंड मियोटिक ग्रीन एंड फॉर्म्स फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ये आपने देखा था वो राउंडेड सा हो गया था पिछली डायग्राम में, ये जब वो पेनिट्रेट किया स्पर्मेटोसाइट तो वो साइट जो है उसमें क्या चेंजेस आई हैं। थ्री चेंजेस आई हैं, द ओवोसाइट फिनिशेस इट्स सेकंड मियोटिक ग्रीन एंड फॉर्म्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस। द सोना पेलिसुडा बिकम्स इम्परमिएबल टू अदर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, देखा था वो स्टक हो गए थे, वो अंदर नहीं जा सकते थे। नंबर थ्री इज द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जो स्पर्मेटोसाइट जो एंटर हो गया था उसके बाद वो मेल प्रो न्यूक्लियस बनाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्री चेंजेस बेसिकली ये तो उसमें एग में आ रही है ओवोसाइट में। तो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग क्या है, द एक्टिवेटिंग फैक्टर इज प्रोबेबली कैरिड बाय द स्पर्मेटोसोम। जो एंटर हो गया ना वो कोई मेटाबॉलिकली एक्टिवेटिंग फैक्टर लेके आया है अंदर। एक्टिवेशन एंड कैंपेसिस द इनिशियल सेलुलर एंड मॉलिकुलर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, वो जो आगे हैं फैक्टर्स वो अब पार्टिसिपेट करेंगे इन द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। आफ्टर बोथ प्रोन्यूक्लियाई हैव रेप्लिकेटेड देयर डीएनए, पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम्स इंटरमिंगल स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एंड गो थ्रू अ माइटोटिक डिवीजन गिविंग राइज टू टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज भी देख द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होंगे। ये तीन रिजल्ट्स होते हैं और ये भी आपसे पूछे जाते हैं, वाइवा क्वेश्चन भी हैं और उसमें भी आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, नंबर वन रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिले डिप्लाइड हो गया। नंबर टू डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमोसोमल सेक्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपको पता चल जाता है। नंबर थ्री इज द इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें फर्दर जो सेल्स होंगे जो उसकी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो साइज में छोटे होते जाते हैं। अब ये यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने पढ़ना है। ये दो डायग्राम्स आप देखोगे यूट्रस हमने एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन उसमें क्या चेंजेस आती है। ये वॉल ऑफ द यूट्रस जो है वो उसकी तीन लेयर्स हैं, एक अंदर की तरफ जो म्यूकोजा होगा एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मसल्स की थिक मसल्स की एक लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और आउटसाइड जो है वो पेरिटोनियम होती है उसको पेरिमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, ये तीन लेयर्स होती हैं यूट्रस की। इनमें जब इम्प्लांटेशन होती है तो क्या चेंजेस आती हैं, या यूट्राइन एंडोमेट्रियम पासिस थ्रू द थ्री स्टेजेस। अब मायोमेट्रियम तो होगा उसका मसल्स थिक होंगे नंबर और उनका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं और हाइपरप्लेजिया कहते हैं, इट इज नॉर्मल। तो फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज आएगी एंडोमेट्रियम में, या सिक्रेटरी और प्रोजेस्टेशनल फेज आएगी अगेन एंडोमेट्रियम में, और मेंस्ट्रुअल फेज अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो अब ये दो आपने ये डायग्राम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी उसमें दी हुई है लैंगमैन में, और ये आप थोड़ा सा आप उसकी रीडिंग करोगे और साथ साथ ये उसकी फेजेस देखोगे यूट्रस की। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज आप उसकी थिकनेस देखो एंडोमेट्रियम की, ये एंडोमेट्रियम है एपिथीलियम है उसकी यूट्रस की। फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज आप देखें ग्रोइंग फॉलिकुल है बना हुआ है, ओव्यूलेशन भी हुई है और उस वक्त ये मैक्सिमम थिकनेस पे पहुंच गया, ये फॉलिकुलर फेज है इसकी या ग्रोइंग फेज है या प्रोलिफरेटिव फेज है। फिर प्रोजेस्टेशनल और सिक्रेटरी फेज है जिसमें ये कॉर्पस ल्यूटियम बना था और जिसमें प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हुआ था, तो ये उसकी सिक्रेटरी फेज है। तो अगर तो
फर्टिलाइजेशन हो गई है और इम्प्लांटेशन होगी तो ये सिक्रेटरी फेज जो है वो परसिस्ट करेगी और ये जो एंडोमेट्रियम होगा इसको ग्रेविड या प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम कहेंगे, ठीक है। ये इसकी 1, 2, 3, 4 स्टेजेस आप देख लो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की, साथ साथ ओवेरियन फॉलिकल्स भी बने हैं। और अगर फर्दर आपने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स देखना है तो ये हार्मोन्स भी बने हुए हैं कि इस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, FSH, LH और यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसकी ये स्टेट है, ठीक है। ये आपने खुद ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह देखनी है, ये ड्रॉइंग लेवल आ भी जाती है प्रोफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। पूरे आधे घंटे में मैंने लेक्चर खत्म कर दिया लेकिन वो इस सूरत में कि ये आप खुद पढ़ोगे। यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन पढ़ लोगे? यस मैम। अगर डायग्राम देखो फिर तो काफी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी। जी बेटे। मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो बता दें वाइवा के लिए। किसके? सब स्टेज। सब स्टेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आप लें तो सब स्टेज सारी इम्पोर्टेंट होती है। सब स्टेज में तो सब कुछ पूछा जाता है सही। और फिर हर जो टीचर होता है ना उसके अपने वो होती हैं प्रायोरिटीज के वो क्या आपसे पूछता है। हर टीचर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है वाइवा का, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा अब तक आप रह रहे हैं। आपका एक्सपोजर आपकी थर्ड सब स्टेज है। यस मैम। फर्स्ट जो थी वो आपने ये ऑन कैंपस दी थी है ना? यस। सेकंड आपने, सेकंड भी एक किस्म की ऑन कैंपस ही, आप सामने नजर आ रहे होते हो वीडियो कॉल पे आप दे रहे होते हो। एक्सक्यूज मी मैम, हुआ था कि नीचे गोद में आपने ना बुक खोली होती है पर आप सफ़े जल्दी से पलट नहीं सकते, कभी हम आम पे चले जाते हैं कभी हैंड में चले जाते हैं कभी डॉर्सम पे चले जाते हैं। नो मैम हम शरीफ हैं, फुल ऑनेस्टी से दिया था। नहीं अक्सर बच्चों ने नहीं खोली होती है, कुछ बच्चों ने खोली भी होती है। मैम अटेंडेंस का लिंक नहीं है अभी तक। मैम हमारा ये जो एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी का टेस्ट होना है इसका वाइवा होगा या एमसीक्यूज होंगे? टेस्ट का टेस्ट बेटा एमसीक्यूज होगा, सब स्टेज आपकी वाइवा होती है। हिस्टोलॉजी का वाइवा होगा आपका, हिस्टोलॉजी का वाइवा होगा क्योंकि आपको बोलना नहीं आता ना फिर प्रॉफ में, हिस्टोलॉजी का आपको वाइवा देना नहीं आता इसलिए वाइवा। मैं ना मैसेज करने लगी हूँ डॉक्टर फरजाद को अटेंडेंस के लिए, थोड़ा सा वेट कर लो। मैसेज मैंने कर दिया अभी, वो पता चल जाएगा आपके अटेंडेंस का लिंक आ जाएगा और इसके बाद आप ये जब फिनिश होता है तो 5 से 10 मिनट तक जो है ना आपने 10 मिनट मुझे ब्रेक देना, उसके बाद मैसेज करूंगी तो फिर आप सब स्टेज के लिए आप अपने कंसर्न जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है ना उनको मैसेज कर देना कि आप सब स्टेज के लिए तैयार हो। हमारी तो 3 बजे होनी है। कौन से ग्रुप के बच्चे हैं? मैम हीरा के। मैं भी थोड़े से ही लूंगी बोल बोल के मेरा तो गला खुश हो गया। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। मैम स्पर्म्स और एग को हम जर्म सेल्स क्यों कहते हैं? क्या ये जर्म सेल्स और अल्लाह के बंदे ये जर्म जर्मिनेटिव सेल्स हैं, ये वो जरासीम वाले जर्म्स नहीं है खोतू। मैम एक टीचर ने मुझे बताया था कि ये स्पर्म्स और एग एज अ फॉरेन सेल्स ही काम करते हैं, अगर इनको हम नॉर्मल सेल्स के अंदर इन्वेट करें तो इनके खिलाफ भी इम्यून रिस्पांस आएगा। नहीं बेटे कैसे इम्यून रिस्पांस आएगा, ये बॉडी के सेल्स हैं, ये जर्मिनेटिव सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स वो जर्म्स नहीं है। मैम ये जो एम्ब्रियो का टेस्ट है वो वाइवा होगा या एमसीक्यूज होंगे? एम्ब्रियो का जो है
बेटे पहले इनका टेस्ट होगा दोनों का, वाइवा हिस्टोलॉजी और एमबीए दोनों का कंबाइन एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, उसके बाद हिस्टोलॉजी सिर्फ जो है उसका आपसे वाइवा लेंगे, वो दो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें क्या करना है मैम? पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज? 50-50% होंगे दोनों के, 20-20 होंगे मेरा ख्याल है। मैम टेस्ट इसी मंथ में होगा? बेटे डेट दी हुई है ना आपको, 22nd को है, कब है? डेट्स दे दी हुई है आपको, और उधर से ये आपकी स्टेज मेरा ख्याल 18 को है, उसमें भी 10 एमसीक्यूज जीए के होंगे। तो जीए तो स्टेज में है, स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टेज भी एमसीक्यूज होगी, स्टेज भी एमसीक्यूज होगी, इसलिए तो डेट नहीं आपकी चेंज की, फटाफट तो आप चीटिंग कर लेते हो माशाल्लाह। नो मैम हमें तो पता नहीं चीटिंग कैसे करती है। अच्छा नहीं पता चीटिंग कैसे करनी है? नो मैम रोजे हैं, हमने क्यों करनी है चीटिंग? अल्लाह करे सारे सारी कौम ही ऐसी हो जाए, हमारी सारी पाकिस्तानी वाम ही इतनी अच्छी हो। मैम दो सब नहीं, मैंने सबको थोड़ी कहा है, इतनी टची, एक तो लड़कियां टची बड़ी जल्दी हो जाती है। नहीं नहीं मैम वैसे रमजान में मैम इतना मुश्किल दो सब स्टेजेस हमारी।